पहले आप चेक करें पानी तकरीबन को दो ढाई ढाई फीट है। जब लोग कोने में आते तो ये सात पूरा नाला है, ये टिनट्टी से गुरु मंदिर तक ये नाला इन्होंने खोद दिया सफाई के नाम पे पिछले दो महीने से। ये भाई यहाँ से गुजर रहे थे, अपने बाइक पे जा रहे थे, भाईजान आपको नहीं पता था कोने पे नाला है भाई, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे पानी बराबर हुआ है, पानी छूटा था जैसे ही गिरा मोबाइल से, मेरे कार्ड था सर्विस कार्ड मेरा गुम हो गया, मतलब ये बंद हो गई मेरी तकरीबन कोई चार फीट गहरा ये नाला है। साल वही है कि कराची के शहर पानी के अंदर चला गया, ये हालत है मेरी। बात वही आती है कि कराची के शहरी जो है उनकी कोई जान और माल की कोई हिफाजत कौन करेगा, मतलब कराची के शहरियों के मिसाल आवारा कुत्तों की तरह कभी रोड पे मर जाते, कभी गटर में गिर जाते, कभी नालों में गिर जाते, कोई पुरसाने हल नहीं। इस जो सूबे के हुक्मरान है वो इतने बेईस हो चुका है सिवाय करप्शन, सिवाय पैदागिरी, सिवाय माल कमाने के अलावा उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है, कोई जिए या मरे उनको कोई परवाह नहीं है। बात ये किसी गरीब का बच्चा है, ये किसी गरीब का बच्चा है, ये किसी मिनिस्टर की औलाद नहीं है। अगर मिनिस्टर की औलाद होती ना तो इसके आगे पीछे प्रोटोकॉल होती तो शायद रोडों से नहीं गुजर रहा होता। यहाँ से गरीब के बच्चे गुजरते हैं तो इसलिए नालों में गिरे और मरे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कराची की आवाम से कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारे हुक्मरान है, ये कच्ची के दावेदार हैं और ये वो लोग हैं जिनको कोई परवाह नहीं है। मतलब यार पूरी दुनिया में अगर कोई काम हो रहा होता है तो वहाँ सेफ्टी इंतजाम होते हैं, ये वाहिद एक सूबा है जहाँ पर कोई काम रहा होता है, सेफ्टी इंतजाम के कोई नाम ही नहीं है। जब बारिश की पेशन गोई हो रही थी, बारिश होनी है तो भाई सेफ्टी इंतजाम कर ले, कुछ नहीं। अब मुझे बताएं कोई भी शख्स यहाँ से आया उसको पता ही नहीं है लेवल पानी का, आप चेक करें एक बराबर है, लेवल चेक करें एक बराबर है। यहाँ इलाका मकीन निकले हुए जो बाहर लोगों को मना कर रहे हैं, देखो एक लिमिट तक मना कर सकते हैं, एक लिमिट तक लोगों को रोक सकते हैं, मगर हर बंदे को जल्दी हर बंदा कोना पकड़ के जाने की सोचता है वो सीधा नाले में गिर जाता है। ये असल चेहरा सिंध के हुक्मरानों का।